की शक्ति बढ़ाने का तरीका नंबर दो प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। जब मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हो ना, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग कीजिए। बड़ा सिंपल है भ्रामरी प्राणायाम। ये जो कान है, इन दोनों कानों को बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को यहाँ पे लेके जाइए। कुछ भी आप सोच रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सांस को अंदर खींचिए धीमे से और गहरे से। मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने इन दोनों कानों को बंद कर लिया, ध्यान को मैं यहाँ ले गया। आंखें बंद भी रख सकते हैं और खुली भी रख सकते हैं। सांस मैं ले रहा हूँ, यह हुआ एक भ्रामरी प्राणायाम। मैंने भंवरे जैसे गुंजन की जितनी देर की, इस बात पे निर्भर करता है कि मैंने कितनी धीमी और गहरी सांस ली, उतनी देर में भंवरे जैसी गुंजन कर सकूंगा। ऐसा आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने खड़े होकर आपको करना सिखाया। किसी आम जगह पे, जैसे कि पार्क में बैठ के कर सकते हैं, चलते हुए यानी कि ट्रेन में यात्रा करते हुए, यात्रा करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। इससे आपका मन शक्तिशाली होने लगेगा।